हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रमुख महासचिव मौजूद हैं डॉक्टर मनोज यादव जी, उनसे भी रूबरू हो रहे हैं। स्वागत है सर बुंदेली दर्पण में आपका। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले बुंदेली दर्पण का कि हमारे बबलू पटेल जी जो यात्रा कर रहे हैं इनके साथ पहुंचा है। जिस तरीके से आप आए हैं यहाँ, इनकी सभा भी आपने यहाँ ग्रामीणों के बीच ली, जो भावनाएं इनकी एकदम भावुक हो जाते हैं। इनको ये जनता के बीच के व्यक्ति हैं, किसान के बेटे हैं। अभी तक जो प्रत्याशी आए हैं किसी भी पार्टी से, वो कोई जनता के बीच का किसान का बेटा नहीं आया है। इसीलिए इन्हें बार बार भावुक हो रहे हैं कि जो लॉकडाउन हुआ, जो भाजपा इसको कंट्रोल करने में पूरी तरह विफल रही, देश का हर व्यक्ति परेशान हुआ, तो इन्होंने जो जनता का दुख और दर्द देखा है उसको देख के ये भावुक हो रहे हैं। लॉकडाउन की स्थिति में मैं भी भोपाल में रहता हूँ, रोडों पर बेचारे बच्चों के साथ पैदल आ रहे थे, सर पे बोझा रखा था, एक बगल में बच्चा था, सरकार ने इतना तक नहीं किया कि घर पहुंचाने की व्यवस्था करती। तो वो दर्द जिस व्यक्ति ने देखा होगा, आप लोगों ने भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी उसमें, जगह जगह जाके हर व्यक्ति के आंख में आंसू आए, और उस समय हर व्यक्ति ने ये सोचा कि उसकी जेब में जो कुछ था हर व्यक्ति को देने की कोशिश की। ये काम किसका था? सरकार का था। हम लोगों को जो भी जनता थी छोड़ दिया बेसहाराओं की तरह। तो इन दर्द को देख के हर व्यक्ति जो अच्छा होगा उसके मन में दर्द होगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए इन्होंने समाजवादी का रास्ता चुना है, क्योंकि समाजवादी पार्टी हमेशा एक मूल कार्यकर्ता से आगे बढ़ी है। चाहे आप कितने भी जो इतिहास लिखे गए आप देखें, एक नेताजी बहुत जमीन से जुड़े हुए किसान के बेटे थे, आदरणीय लोहिया जी, ठीक है, आदरणीय जेपी जी, किसी की भी बात करेंगे तो समाजवादी जो आंदोलनकारी रहे हैं लोग, जो देश में परिवर्तन लाए हैं। एक समाजवादी का नारा भी था कि संसो पाने बांधेगाट, पिछड़ा पावे सौ में साठ। तो हमेशा दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, गरीबों, जो भी हैं, किसी भी वर्ग का जाति का हो, लेकिन उन्होंने सबको समानता का अधिकार दिलाने की बात कई समाजवादियों ने कही है। तो इसलिए जनता के बीच का, जनता का प्रत्याशी समाजवादी ने चुना है। इसके लिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। 7-8 विधायक थे मध्य प्रदेश में, फिर एकदम से ग्राफ गिरा। क्या वजह है कि जब समाजवादी पार्टी चुनाव का समय आ जाता है, 5-6 महीने बचते हैं, तब इतनी ताकत झोंकती है? बेसिक जो संघर्ष है या सरकार के खिलाफ मुद्दे हैं उन्हें उठाने में आपके जो जिले का नेतृत्व है, प्रदेश नेतृत्व, वो कहीं ना कहीं भूमिका क्यों नहीं निभा पाता? हाँ, इस चीज में इस बार मध्य प्रदेश में हमारा वैसे हमेशा समाजवादी सक्रिय रही है, कुछ समय संगठन नहीं था तो इसमें रहा है, लेकिन अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने संकल्प लिया है, मध्य प्रदेश में जल्दी ही दौरा शुरू कर रहे हैं, और वो आपके इसी छतरपुर जिले से होगा। जिसी तरह अभी जो 4 सीटें घोषित हुई हैं उसमें 2 बुंदेलखंड की, आप आकर देखेंगे तो ठीक है ना, वो चारों ही उसमें आ जाएंगे, बुंदेलखंड और चंबल में आ जाती हैं 4 सीटें जो घोषित हुई हैं। तो समाजवादी पार्टी, अब पूरे संगठन भी दिखेगा आपका, पार्टी की सरकार भी दिखेगी, पार्टी के विधायक भी दिखेंगे। सर, ये जो यहाँ की बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस विधायक यहाँ रहे हैं पिछले 3 पंचवर्षीय से, और भाजपा की सरकार रही है, राजनगर क्षेत्र कई ऐसी चीजों से अछूता रहा है, क्या मानते हैं कि समाजवादी पार्टी के विधायक बना तो क्या किस तरीके से? बिल्कुल निश्चित तौर पर परिवर्तन आएगा। जहां भी समाजवादियों की सरकार आई है या एक व्यक्ति विधायक भी आया है, उसने बदलाव करने की कोशिश की है और बदलाव हुआ है। आज सबसे पहले प्रत्याशी की सोच क्या है कि गरीब सरकारी स्कूलों में बच्चे किसके पढ़ने जा रहे हैं आज की डेट में, आप बताइए, गरीबों के जा रहे हैं। तो हमारे प्रत्याशी की सोच आपने पहला काम क्या करेंगे, उनकी सोच आपने देखी। तो समाजवादी पार्टी निश्चित तौर पर हर गरीब के लिए, हर वर्ग के लिए बदलाव लाएगी, और उसने उत्तर प्रदेश में जब भी सरकारें आई हैं, सबसे पहला कर्ज माफ नेताजी ने किया था, भारतीय सेना में जो हमारे सैनिक देश की सेना पर सरहद पर लड़ते हैं, शहीद हो जाते थे, उनकी डेथ बॉडी घर तक नहीं आती थी, तो आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी जब रक्षा मंत्री थे तो उन्होंने भी पहला काम यही किया था कि किसान का बेटा जो भी हमारा भारतीय सेना में शहीद होगा उसका सम्मान तिरंगा के साथ उसको उसके घर गांव तक भेजा जाएगा, साथ में उसके विधवा होने वाले पत्नी को या माँ बाप जो भी रहेंगे उनके लिए गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप या एक राशि दी जाएगी जिससे उसका परिवार का गुजारा चल सके। तो निश्चित तौर पे हमेशा बदलाव की राजनीति की। किसानों का कर्ज माफ आदरणीय नेताजी ने किया, सिंचाई फ्री आदरणीय नेताजी ने की उत्तर प्रदेश में, तो ये सारी योजनाएं हम लोग मध्य प्रदेश में भी लागू करेंगे, और हमारा विधायक जो भी रहेगा हर जगह अपनी आवाज को उठाएगा, बुलंद करेगा, और परिवर्तन मध्य प्रदेश में जरूर आएगा। सभी सीटों पर आप चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, सरकार आने का भी दावा कर रहे हैं,
तीन माह बचा, दो से तीन माह बचा है चुनाव में। इतने सारे कोरोना से लेकर अब तक 20-20 में तमाम सारी ऐसी चीजें आई, उठा पटक हुई, सरकार के खिलाफ किसानों के आंदोलन भी हुए, समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं जमीन स्तर से दूर रही। अब तीन महीने में या दो महीने में ऐसा क्या तिलस्म कर देंगे आपकी, आपके विधायक आ जाएंगे सरकार में? समाजवादी पार्टी कभी किसानों से दूर नहीं रही, कभी मुद्दे उठाने में दूर नहीं रही है। समाजवादी पार्टी ने भोपाल में अभी केवल एक साल के अंदर ही 5-6 बड़े आंदोलन किए हैं, जेल भरो आंदोलन किए थे। साथ में पिछली बार आप हमारे समाजवादी की सोच को देखिए, किसानों के हित में कहाँ खड़ी होती है। मंदसौर जब घटना हुई थी, किसान मारे, किसान हत्याएं हुई थी मंदसौर घटना पे, समाजवादी पार्टी ने पार्टी फंड से वहाँ के जो 5 मृतक थे उन सबको 3-3 लाख रुपए की मदद की थी उनके परिवार के लिए। सरकार नहीं है हमारी, उसके बाद में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सोच है। अभी मुरैना में एक व्यक्ति की हत्या हो गई, वो भी बेचारा गरीब था, उसकी समाजवादी ने पार्टी ने मदद किया, उसकी आवाज़ को उठाया है। तो समाजवादी पार्टी किसी भी आंदोलन को उठाने में किसी में पीछे नहीं है। जो सरकार है ये क्रूर सरकार है, किसी भी माध्यम से दबाना चाहती है, इसलिए दिखाया नहीं जाता है चीज़ों में। आप ये बताइए कौन सा एक व्यक्ति है, जितने प्रत्याशी हैं या पहले रह चुके हैं, जो 45 दिन से जनता के बीच में हो। आप इसी विधानसभा की बात कर लेते हैं, कितने चैनलों ने दिखाया, वही अगर दूसरे लोग कर रहे होते तो दिखाते। तो इसीलिए बुंदेली जो दर्पण है आपका, बुंदेली दर्पण जो आप लोग काम कर रहे हैं, वही हमारा प्रत्याशी कर रहा है, क्योंकि आप इस गांव में आए हुए हैं जो बहुत दूर है सिटी से। तो समाजवादी पार्टी आंदोलन जनता के बीच कर रही है और हमेशा करती है। चलिए, आप लोगों का साथ ऐसे ही मिलता रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे डॉक्टर मनोज यादव जी, समाजवादी पार्टी के प्रमुख महासचिव, जिनका साफ तौर पे कहना है कि समाजवादी पार्टी हमेशा किसानों के हित में काम करती रही है, किसानों से जुड़ी रही है, और जो व्यक्ति प्रत्याशी बनाए गए हैं राजनगर विधानसभा क्षेत्र में वो भी एक किसान है और किसानों से जुड़े हुए हैं, किसानों की पीड़ा को समझते हैं, और विधायक उनके जो बनने का दावा भी इनके द्वारा किया गया है। बुंदेली दर्पण में नेताजी बोले में फिलहाल इतना ही। मुझे पूरी टीम के साथ इजाजत, नमस्कार।